ठीक है, सबका नंबर ले लो बाबा। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। आ गया खींच ले, उठो उठो, आ जा। पूरे सर मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरे पापा मम्मी हैं वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, और मेरे दोनों भाई हैं वो अच्छी सर्विस पे हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं पूरा, इसलिए मैं उनको थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूँ। बच्चों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को घर की तरफ से। तो आपकी बेटी अंतिम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, पूरे पहले तो राज्य का नाम रोशन किया है, उसके बाद हमारे मेवात डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है, उसके बाद ये जाजू का छोटा सा नंगला है, और ये और भी खुशी की बात है कि हमारी अंतिम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखो नाम तो इसका अंतिम है, लेकिन इसने हमारे परिवार में शुरुआत करी है, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, और आगे भी उम्मीद है कि बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। मेरी और गांव वालों के बच्चों से भी हिम्मत है, उम्मीद है कि इस बच्ची को देख के इंस्पायर हो और अच्छे से अच्छे खेलों में रुचि लें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आगे के बहुत मौके खुलते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ और अपनी बेटियों को और उत्साह देना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़कर गांव का, इलाके का, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मदन सिंह है जी, मैं इस बेटी का दादा हूँ, और हमारी बेटी ने जो आज काम किया है वो हमारे इलाके में किसी ने नहीं किया, और इससे और भी ज्यादा खुशी है पूरे हरियाणा में हमारी बेटी ये गोल्ड मेडल लाई है। हमसे कुछ नहीं हुआ, हमारे पिताजी ने भी आर्मी में थे, वो हमारे इसके पड़दादा जी, उन्होंने भी आर्मी में रस्सा खिंचाई में मेडल लिया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अब हमारी पोती ने, वो अपनी दादा की पार्टी पे चली है और ये गोल्ड मेडल जीत के लाई है, और मैं सभी गांव वालों की
तरफ से इस बेटी को आशीर्वाद देता हूं और हमारे गांव के बच्चे इसी तरह से मेडल लाते रहें और हमारे हरियाणा का देश का नाम रोशन करें। मेरा नाम श्री देवी है, मेरी पोती का नाम अंतिम है। मैं उम्मीद से बहुत करे बैठी हूं और करेगी। बहुत अच्छा लगा है, पोती ऐसे लाई है, अच्छा लगा है। ये देखिए और बढ़े आगे। मेरे को बहुत ही खुशी है, मैं इसका श्रेय अपने कोच मिस्टर अनिल गौर को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जाकर अपने हरियाणा के लिए एक गोल्ड ला सकूं। मैं अपने मम्मी पापा को भी उतना ही श्रेय देती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरी तरह सपोर्ट किया हर गेम के लिए। और मेरे को उम्मीद तो पूरी पूरी है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसमें भी गोल्ड ला सकूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े, पहले ऐसी सोच रखूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। आज के जमाने लड़की जो लड़के कर रहे हैं वो लड़की कर रही है मेरी, और मैं अपनी लड़की पे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी और इससे ज्यादा नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा का सबका। आपके उम्मीद मैं चारों बच्चन से करती हूँ। अब मेरी अब एक बेटी की तो मेरी अब शादी होगी, अब हाल फिलहाल में तीन बच्चे तो उम्मीद है मेरी। तो ऐसे खेल में मेडल लाना अपने आपने अलग अनूठा अनुभव है, कैसे देखते हैं क्या कहते हैं सर? ये वाकई में एक बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे देश में बर्फ ना होने के बावजूद भी हम लोग ऐसे ऐसे खेलों में महारत हासिल कर रहे हैं। ये तो अलग बात है कि हमारे लोगों में यहाँ जज्बा है, जुनून है। इस मेवात ऐसे पिछड़े इलाके में जो लोग जानते कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी टैलेंट बहुत है, पर उसको निकालना ये बहुत बड़ी बात है। और रहा इस खेल की बात, ये वो खेल है जो दुनिया का सबसे महंगा खेल है और सर्दियों में इसको खेला जाता है। इंडिया में बर्फ ना होने के कारण वर्ल्ड बॉडी ने इसको फ्लोर पे भी डाल दिया ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। और हाल ही में अभी 19 से 21 मई को अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें 15 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, हरियाणा की तरफ से 32 खिलाड़ी और जिसमें हमारे मेवात क्षेत्र से 6 लड़कियों ने भाग लिया था, और पूरे हरियाणा में मात्र एक गोल्ड मेडल जो हरियाणा को इस गांव की जो बेटी है अंतिम, उसके द्वारा हरियाणा को ये मेडल मिला है। जाजू का गांव की जो बेटी है, इसके अलावा भी हमारे 2 सिल्वर मेडल उजीने से है, ब्रॉन्ज भी है, पर गोल्ड केवल इसी का ही है यहाँ पर। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हरियाणा को गोल्ड के साथ साथ में हमारा थर्ड जो रैंक आई है, हरियाणा की ओवरऑल ट्रॉफी, हमारी थर्ड ट्रॉफी हमारे को मिली है, और वहां के मुख्यमंत्री खुद इसके अंदर शामिल थे, और हमारे राज्य के भाई योगेश्वर दत्त जो कि ओलंपियन है वो भी वहां पर एज ए गेस्ट मौजूद थे। सर मैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल माँ बाप का, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की सोच बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है, अगर पेरेंट्स चाहें तो आपके बच्चे आसमान छू सकते हैं। थोड़ा सोच हमें बदलनी होगी। आज केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी उतना ही महत्व है। अगर चाहें तो आप अपना करियर खेलों के द्वारा भी बना सकते हैं। इतना पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत खेलों में इतना वो है पैसा।